गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे पात्र परिवार जो विगत एक दशक से भी ज्यादा बीपीएल लाभार्थियों की सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे के बीपीएल कार्ड बनाकर मनोहर लाल सरकार ने बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा अंत्योदय का सिद्धांत देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार किया है। इसके माध्यम से ऐसे लाभार्थी परिवार अब सरकार की ओर से भी उन सभी स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके वो हकदार हैं। यह जानकारी करनाल खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने किसी कारण से अब तक बीपीएल के फॉर्म नहीं भरे हैं, अब हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार वे सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अब नियमित रूप से जारी रहेगी। अब ऐसे पात्र व्यक्तियों को बीपीएल सर्वे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने अंत्योदय की सरल भाषा में व्याख्या करते हुए बताया कि पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की जरूरत पूरी कर उसे उसका लाभ देना अंत्योदय है और वर्तमान हरियाणा सरकार इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रही है, जिससे प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई या शिक्षा तथा दूसरी सभी सुविधाएं मुहैया हो सके, जिससे समाज में समानता की भावना प्रबल हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सादगी व ईमानदारी से कार्य कर प्रदेश को सामाजिक और आर्थिक प्रगति से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर करनाल विधानसभा क्षेत्र के कुछ नए बीपीएल लाभार्थियों को पीले कार्ड वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो पात्र परिवार अभी भी बीपीएल कार्ड बनवाने से वंचित रह गए हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करें तथा फार्मों की जांच पड़ताल में पारदर्शिता रखें ताकि गरीब लोगों को उनका हक मिल सके। और मुख्यमंत्री द्वारा पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हाँ जी, क्या मिला है आपको? निर्मला देवी, निर्मला देवी, पीएल कार्ड मिला। अच्छा, किसने दिया ये? हम पूरे करनाल में आज डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। आज किस स्तर पे प्रोग्राम था? पूरे प्रदेश में था जी, पूरे प्रदेश में 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सीएम ने किया इसका? जी, सीएम ने इनका जो कार्यक्रम का है वो पंचकुला से इनका इनोग्रेशन किया है। आफ्टर दैट 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जा रहा है और करनाल में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।